खाना लगा दूं? नहीं यार अभी अभी नहीं, बाद में खाते हैं, मन नहीं कर। चलो ठीक है, खाना लगा दूं अब? नहीं यार अभी भी मूड नहीं है, थोड़ा जरा रुक जाओ प्लीज। क्या हो गया यार, इतने स्ट्रेस में क्यों लग रहे हो? टीवी नहीं देख रही हूँ, इतनी बड़ी खबर, अडानी ग्रुप के सारे शेयर धराशायी हो गए हैं। अमेरिका में कोई हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है, उसके बाद ही हाल हुआ है। मैंने काफी पैसा लगाया था शेयर में और डूब गए सब। अरे अडानी की कंपनी वही है ना जहाँ पिछले साल तुमने मेरी FD तोड़वा के रुपए लगाए थे? तुम तो बोल रहे थे बड़ा फायदा होगा। लगाए थे, मुझे लगा परफॉर्मेंस अच्छा करे कंपनी तो आगे भी सही रहेगा, मुझे क्या पता था ये हाल होगा, पैसे सब। कम से कम रुपए लगा रहे हो तो उसकी जानकारी तो पहले लोगे ना, कि कहाँ लगाने चाहिए कहाँ नहीं लगाने चाहिए। अब सोचो कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकलेगा ना। नहीं आ रहा कुछ समझ में, दिमाग की वाट लगी है तब से यही सोच रहा हूँ। अरे हाँ, मेरे एक मामा जी हैं, वो शेयर मार्केट के खिलाड़ी हैं, उन्हें बहुत नॉलेज है उस चीज की, अगर हम उनसे बात करेंगे तो कोई ना कोई सॉल्यूशन तो जरूर निकलेगा। ये प्रदीप मामा के जो शादी में आए थे वही, और वही। पिछले महीने भी मामा और मामी आए थे। हाँ हाँ वही। ठीक है, उनका तो नंबर भी है मेरे पास, फोन करके पूछता हूँ कि क्या करूँ क्या कर सकता हूँ। फोन करूँ? हाँ सारांश, देखो चिंता की बात तो है लेकिन तुम ज्यादा परेशान मत हो। शेयर मार्केट में देखो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब इससे बचने का तो एक ही तरीका है कि जब तुम किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो ये देखो कि उसका फंडामेंटल कितना मजबूत है, उसकी अकाउंटिंग में ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, ये सब चीज़ें थोड़ा देख के तब पैसा लगाना चाहिए। अगर आप भी अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई किसी कंपनी के शेयर में लगा रहे हैं तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि कंपनी की बैलेंस शीट यानी कि बही खाता साफ सुथरा है भी या नहीं, कंपनी कितनी ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता से सारी जानकारी दे रही है ये भी देख लेना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रांसपेरेंसी को कैसे चेक करें, इसके लिए कुछ बातों पर गौर करना होगा। आपके और मेरे जैसे आम निवेशक को सबसे पहले देखना चाहिए कि कंपनी पर कर्ज है या नहीं। वैसे तो लगभग सभी कंपनियां अपने बिजनेस के लिए लोन या कर्ज लेती हैं। अब देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस को ही देख लीजिए, उसने भी अच्छा खासा कर्ज ले रखा है। तो कर्ज लेना हमेशा खराब नहीं होता है, पर अच्छे बुरे की परख कैसे की जाए ये समझना काफी अहम है, और इसके लिए आपको इन पांच बातों को जरूर एनालाइज करना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या डेट सर्विस कवरेज रेशियो, प्रमोटर का गिरवी हिस्सा, प्रॉफिट मार्जिन और ब्याज दर से तुलना, और वैल्यूएशन कैसे हैं दूसरी कंपनियों की तुलना में। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि इन पांचों का आइडियल लेवल यानी आदर्श आंकड़ा क्या है, उसे जानने के साथ साथ जरा इन पांचों पैरामीटर्स को भी विस्तार से समझ लीजिए। पहला अहम पैरामीटर है डेट टू इक्विटी रेशियो का। डेट टू इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए कंपनी के कुल कर्ज के आंकड़े को इक्विटी फंडिंग से भाग दिया जाता है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी अपने कारोबार की फाइनेंसिंग का कितना हिस्सा खुद के फंड्स और कर्ज के जरिए करती है। इसे रिस्क गेयरिंग या लेवरेज रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा अहम पैरामीटर है डेट सर्विस कवरेज रेशियो का। इस रेशियो को किसी एक अवधि के कामकाजी मुनाफे को ब्याज खर्च और प्रिंसिपल रीपेमेंट के जमा से भाग देकर कैलकुलेट किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी अपने कर्ज पर ब्याज का भुगतान कितनी आसानी से कर सकती है। पर यह आंकड़ा कितना होना चाहिए ताकि इसे बेहतर माना जा सके ये भी समझना होगा। देखिए जहाँ तक डेट टू इक्विटी रेशियो का सवाल है, दो के नीचे दो के आसपास रहता है तो काफ़ी बेहतर रहता है, जैसे ही दो के ऊपर निकलता है तो डेट टू इक्विटी रेशियो का आपका थोड़ा फिगर जो है वो बिगड़ जाएगा। तो अगेन डिपेंड फ्रॉम कंपनी टू कंपनी होता है, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, कोई इंफ्रा में है तो दो से ज़्यादा भी आपको उसमें डेट मिल जाएगा। पर जहाँ तक नॉर्मल सिनेरियो की बात है, किसी भी कंपनी की बात है, 1.5 से 2 अगर डेट टू इक्विटी रेशियो रहता है तो वो काफ़ी बेहतर है। और अगर सेकंड पैरामीटर देखें जो कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, 2.5 से 3 के आसपास रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं बिट बाई टोटल इंटरेस्ट इनकम तो 2.5 या 3 के आसपास रहता है तो बेहतर रहता है। 2 के नीचे रहेगा तो अगेन वो बताएगा कि आपकी जो इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कंपनी में कम हो रही है, तो 2.5 से 3 के आसपास ये बेटर रेशियो होता है। तीसरा अहम पॉइंट है प्रमोटर का गिरवी हिस्सा। आमतौर पर प्रमोटर लोन या कर्ज लेने के लिए अपने शेयरों को गिरवी रखते हैं, पर कितना हिस्सा गिरवी है ये देखना भी काफी अहम है। प्रमोटर के गिरवी हिस्से को कैलकुलेट करने के लिए गिरवी रखे शेयरों को प्रमोटर की कंपनी में कुल हिस्सेदारी से भाग दिया जाता है।
मिसाल के तौर पर अगर किसी प्रमोटर का कंपनी में 70% हिस्सा है और उसमें से 35% हिस्सा गिरवी रखा हुआ है, तो उसका मतलब ये हुआ कि प्रमोटर का 50% हिस्सा गिरवी है। इसी तरह अगर 28% शेयर गिरवी रखे हुए हों तो ये कहा जा सकता है कि प्रमोटर का 40% हिस्सा गिरवी है। इससे ये पता चलता है कि प्रमोटर ने कर्ज लेने के लिए अपना कितना हिस्सा सिक्योरिटी या कोलेटरल के तौर पर बैंक या किसी वित्तीय संस्थान को गिरवी रखा हुआ है। जहाँ तक प्लेजिंग ऑफ शेयर्स की बात है, अगर प्लेजिंग ऑफ शेयर्स देखें 25-30% के आसपास की प्लेजिंग आप करके देख सकते हैं किसी भी कंपनी में, पर वो चीज़ आपको देखना है कि ज़्यादा जो होल्डिंग रहे वो प्रमोटर के पास रहे, क्योंकि अगर अगेन शेयर प्राइस क्रैश होता है, अगर कोई कंपनी के शेयर्स प्लेज है किसी भी NBFC या बैंक के पास, अगर शेयर प्राइस क्रैश होता है तो अगेन वो जो बैंक है वो प्रमोटर से और अपनी होल्डिंग्स की मांग करता है। इसीलिए ये जरूर देखें अगर किसी भी कंपनी में शेयर्स प्लेज्ड हैं तो 20-25% से ज्यादा ना हो, और ज्यादातर जो प्रमोटर जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास ही रहे, ताकि अगर शेयर प्राइस में क्रैश भी आता है तो प्रमोटर्स और थोड़े शेयर गिरवी रख के उस सिनेरियो को बैलेंस कर सके। हाल ही की बात करें तो अडानी ग्रुप के बारे में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में ये आरोप लगाया गया है कि समूह की कंपनियों में प्रमोटर्स का बड़ा हिस्सा गिरवी रखा हुआ है। चौथा पैरामीटर है प्रॉफिट मार्जिन की ब्याज दर से तुलना। कंपनी के मुनाफे को शुद्ध बिक्री या आय से भाग देकर प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि कंपनी अपनी बिक्री या आय का कितना हिस्सा मुनाफे के तौर पर कमाती है। पांचवा अहम आंकड़ा या पैमाना है PE यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। PE कैलकुलेट करने के लिए किसी कंपनी के शेयर के भाव को EPS यानी प्रति शेयर मुनाफे से भाग दिया जाता है। EPS बीते 12 महीने या किसी एक वित्त वर्ष के साथ साथ आने वाले 12 महीनों का भी हो सकता है। इससे ये पता चलता है कि किसी निवेशक को एक शेयर खरीदने पर चुकाए जाने वाली रकम की तुलना में कितनी वैल्यू मिलती है। पर प्रॉफिट मार्जिन और PE से भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि इनका आइडियल लेवल क्या होता है। जहाँ तक नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात है, वो जितना ज्यादा 1.2-1.3 के ऊपर है उतना ज्यादा बेटर रहेगा। सपोज एक एग्जांपल ले ले, अगर किसी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 9% है और उसका इंटरेस्ट कॉस्ट जो है सपोज उन्होंने 9% या उससे नीचे लिया है तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर मार्जिन अच्छे होते हैं तो अपने डेट को ज्यादा अच्छा सर्विस कर पाएगा। इसीलिए जो आइडियल जो होता है 1.2-1.3 के ऊपर जितना बेटर रहेगा उतना ज्यादा अच्छा है। अगर एक के नीचे या 1 के नीचे तो थोड़ा नेगेटिव किसी भी कंपनी के लिए माना जाए। अब इसे भी एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तुलना में अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी इंटरप्राइजेस जैसी अडानी समूह की कंपनियों का डेट टू इक्विटी रेशियो कई गुना ज्यादा है, पर डेट सर्विस कवरेज रेशियो यानी कर्ज चुकाने की क्षमता उतनी ही कम है। इन कंपनियों में ब्याज दर की तुलना में प्रॉफिट मार्जिन कम है, प्रमोटर ने शेयर गिरवी रखे हुए हैं और PE वैल्यूएशन तो RIL की तुलना में 8.5-14 गुना ज्यादा है। अगर आप शेयर बाजार में छोटी अवधि के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, पर मोटा पैसा लगाने से पहले यानी बड़ा निवेश करने से पहले आपको कुछ अहम पैरामीटर्स पर कंपनी को जरूर परख लेना चाहिए। अगर निवेश करने वक्त इन पैरामीटर्स पर ध्यान दिया जाए तो सारांश माथुर के विपरीत अचानक भारी झटका लगने से बचा जा सकता है।